अंत तक उत्पादन शुरू करने के निर्देश जारी किया था। आपको बता दें कि कलेक्टरों को यह हिदायत दी गई थी कि कोयला उत्पादन के लिए जरूरी पर्यावरण और वन स्वीकृति ग्राम सभाओं में जनसुनवाई का आयोजन और प्रभावितों को मुआवजा संबंधी मामले में जल्द से जल्द निपटा लिए जाए। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि रेल कॉरिडोर राज्य में होने वाले कोयले के खनन के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर एक अहम कड़ी है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रायपुर स्टूडियो हमारे साथ जुड़ गए हैं केदार गुप्ता जी, जो कि बीजेपी नेता हैं, और किरणमयी नायक जो कि कांग्रेस नेत्री हैं, और संजीव गुप्ता जो कि वरिष्ठ पत्रकार। आप तीन लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो केदार जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आखिर सीएम भूपेश बघेल ने जब इसकी समीक्षा की, उस समीक्षा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो भी डॉक्टर रमन सरकार की कार्य थे विकास के, और केंद्र सरकार से जिसकी स्वीकृति मिली थी, पैसा मिल रहा था, उन सब कार्यों का विरोध करना प्रायोरिटी में है। समीक्षा इसलिए होती कि ये काम तेजी से कैसे हो, तो बहुत अच्छा लगता। समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा करना बहुत अच्छी बात है, पर समीक्षा इस बात की कि इससे क्या लाभ है और क्या हानि है। तो क्या जब रेलवे हिंदुस्तान में शुरू हुई तो बहुत बड़ी हानि हो रही थी क्या, जो उसके बावजूद रेल चालू हो गई? और जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके पहले सिर्फ 1100 किलोमीटर और उससे कुछ कम रेलवे लाइन थी। सरकार बनने के बाद 600 किलोमीटर रेलवे लाइन का और एक्सपांशन हो चुका। तो ये रेलवे लाइन है, ये पूरे भविष्य के लिए है, और यही आपको कार्य देती है, रोजगार निर्माण करती है। और मैं समझता हूँ कि पूरे भारत में अगर ट्रांसपोर्टेशन कहाँ बेहतर है, ये रेलवे लाइन से ज्यादा उपयुक्त तो और कोई चीज नहीं होती। ये सिर्फ कोयले का परिवहन नहीं करेगी, इसमें यात्री ट्रेनें भी चलेगी। और मुझे समझ में नहीं आता, जो चीज इतनी स्पष्ट है, जिसमें कम से कम पॉल्यूशन होता है और ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, ज्यादा से ज्यादा माल की ढुलाई होती है, और पूरे विश्व में रेल यात्रा को सबसे सुरक्षित यात्रा माना जाता है, उसके लिए रोक टोक के लिए समीक्षा करना उचित नहीं है। और मैं समझता हूं कि विकास के कार्यों को राजनीति में लपेटना नहीं चाहिए, बल्कि खुले दिल से स्वीकार करके ऐसे कामों को आगे बढ़ाना चाहिए। जनता आज विकास चाहती है, ना कि राजनीतिक हथकंडे अपनाकर पहले वाले को बुरा करना और अपने आप को सही साबित करना। अगर आप विकास करेंगे तो मैं समझता हूं कि जनता आपको भी आशीर्वाद देगी और आपकी भी प्रशंसा करेगी, बनिस्बत इसके कि पिछली सरकारों की तुलना आप करते बैठे रहे और समय गुजर जाए। जनता का समय कीमती है, और बिना समय खराब किए ऐसे विकास कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए समीक्षा हो। मैं ये मांग करता हूं कि समीक्षा हो, पर ये काम तेजी से कैसे हो, इस बात की समीक्षा होनी चाहिए। ये छत्तीसगढ़ के विकास का मामला है, और अनेक वर्षों के बाद ये ऐसा अवसर आया है कि जब एक नया रेल कॉरिडोर बन रहा है, तो इसकी समीक्षा रुकावट के लिए ना होकर समीक्षा काम को तेजी के साथ बढ़ाने की होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने कहा। लेकिन अब किरणमयी जी, मैं अभी आपसे और सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले किरणमयी जी से, क्योंकि जहां तक मेरे संज्ञान में जो सवाल है, मैं एक बार आपसे भी पूछना चाहता हूं। समीक्षा बैठक के दौरान अफसर जो थे वो किस किस बात का जवाब नहीं दे पाए थे? जब सीएम भूपेश बघेल जी ने पूछा था कि इस पे पैसेंजर ट्रेन चलेगी, तो क्या वो उसका जवाब दे पाए थे? पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा, क्या वो इसका जवाब दे पाए थे? कौन कौन से पॉइंट्स रखे गए थे, वो पहले आप एक बार आप अपनी भी तरफ से बात रख दीजिए, उसके बाद फिर मैं केदार जी से सवाल करूंगा। देखिए, आपने जो पूछा है उसमें दो मुख्य बिंदु ही थे कि इस योजना से जनता को क्या लाभ हो रहा है, जनहित में क्या काम हो रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं था। पर्यावरण के मुद्दे पर जो पूछा गया उसका कोई जवाब नहीं था, और उसके अलावा प्रदूषण क्या होगा इसका भी कोई जवाब नहीं था। और जिस बात को अभी केदार गुप्ता जी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, क्या उनको इस बात से तकलीफ है कि जनता के हितों के से जुड़े सवाल मुख्यमंत्री जी को नहीं पूछना चाहिए? क्या जनता को पॉल्यूशन जो होगा उसके बारे में सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या इस पे पैसेंजर ट्रेन चलेगी? केवल जो मुख्यमंत्री जी को जानकारी दी गई थी रेवेन्यू के बारे में, नहीं इसके बारे में सारी चीजें गोलमोल है। हकीकत यह है कि इस पर पैसेंजर ट्रेन की बात जरूर दिखाया गया है, परंतु हकीकत में पैसेंजर ट्रेन के बारे में कहीं कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसीलिए 15 दिन का समय दिया गया है
क्या पूरी जानकारी और तथ्यों के साथ आए। होता ये रहा है पिछले 15 सालों में कि जो पुरानी सरकार है वो केवल हवा हवाई और बड़े बड़े बजट और उसमें कमीशन खोरी इन चीजों के आधार पर ही प्रोजेक्ट को लाती रही है। जनहित और जनता से जुड़े मुद्दे के बारे में कभी उन्होंने चिंतन और विचार विमर्श किया ही नहीं। और अभी एक बड़ी बात बोल गए कि पिछले कार्यकाल में क्या किया उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। अरे साहब, आप यदि प्रधानमंत्री मोदी जी को देखेंगे तो पिछले 15 साल ने पिछले 60 साल के भी वो गड़े मुर्दे ही उखाड़ते रहे काम करना छोड़ करके। तो हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है और जो चाल चरित्र चेहरा है वो ये है कि केवल आप बड़ी बड़ी बातें करिए, जनता के हित का कोई मतलब नहीं है, और जनहित को कभी देखा ही नहीं गया है। केवल कमीशन खोरी किसमें ज्यादा हो इस पर ही ध्यान उनका केंद्रित रहा है। जिस तरीके से अब मैं आपके पास आना चाहूंगा संजीव जी, दोनों लोगों की बात हो गई, बात रख ली, जिस तरीके से आप थोड़ा तर्क संगत जवाब दीजिएगा क्योंकि दोनों लोगों की आपने बात सुनी है कि जिस तरीके से ये अगर रेल कॉरिडोर बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि इससे कोयले का एक मुख्य उद्देश्य उसका कोयला परिवहन करना है। तो जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि जब देश में ही कई कंपनी जब प्रदेश में ही कई कंपनियां बंद हो रही हैं तो कोयला हम बाहर जाके क्यों हम सप्लाई करेंगे, क्यों एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, जब हमें ही जरूरत है उस कोयले की, जब हम उन्हें बेच देंगे पूरा तो हमें उनसे खरीदना पड़ेगा क्या। जब उन्होंने ये सवाल पूछा तो वाकई इसका इस्तेमाल पैसेंजर ट्रेन के लिए किया जा रहा था, किन पहलुओं को छुपाया जा रहा है, किन पहलुओं को रखा जा रहा है, वाकई सही बात क्या है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उस क्षेत्र में रेलवे की पहुंच की जा रही थी पिछले सरकार के द्वारा, तो उन्होंने इसको उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या कोयले की ढुलाई थी, माल ढुलाई था, या पैसेंजर यात्रियों को पहुंचाने वाली बात थी, ये दोनों चीज देखने वाली बात है। मुझे जो जानकारी मिली है मुख्यमंत्री ने यही चीजें अधिकारियों से पूछी और बहुत अच्छी जानकारी या अच्छा जवाब अधिकारियों की तरफ से नहीं आ पाया, और यही कारण है कि फिर से उन्हें तैयारी के साथ आने के लिए कहा गया। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो सबसे पहली बात यह होती है कि क्या उस क्षेत्र में उसकी क्या आवश्यकता है, ये एक मुख्य उद्देश्य होता है कि भाई क्या आवश्यकता है। अगर कहीं हम वहाँ पे सीधी सी बात, एक छोटी सी यात्री गाड़ी भी चलाते हैं, अगर बस वगैरह भी चलाते हैं किसी क्षेत्र में, तो वहाँ पैसेंजर की क्या स्थिति है, कितना इस्तेमाल हो सकेगा, ठीक है, अगर माल ढुलाई के लिए करते हैं तो उस क्षेत्र में मिलने वाले जो कोयला, खासकर कोयला ही है उस क्षेत्र में, तो उसका हम किस तरीके से उसका उपयोग कर सकेंगे, रेलवे का हम वहां से कैसे निकाल सकेंगे, यहाँ के जो घरेलू उद्योग है उनका क्या फायदा होगा, तो उसके बाद फिर बाहर भेजने के लिए उसकी क्या स्थिति होगी, ये सारी चीजें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद भी हमको उस क्षेत्र में पर्यावरण को उसके कारण, उस प्रोजेक्ट की वजह से नुकसान ना पहुंचे, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, वो जो एरिया है वो हाथी प्रभावित क्षेत्र है, हाथी वाला क्षेत्र है, और जब हम अभयारण्य बनाने की बात कर रहे हैं, एलिफेंट कॉरिडोर और इस तमाम तरह की चीजें बनाने की बात कर रहे हैं, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। रही बात समीक्षा की, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी सरकारें चेंज होती है तो नई सरकार जो है, पिछली सरकार, पिछले जो भी पार्टी की जो सरकार रहती है, उसके सभी जो भी है प्रोजेक्ट उसकी समीक्षा करती है, और एक नई बात नहीं है, ये लगातार समीक्षा होती है। लेकिन फिर भी समझना होगा कि लोकतंत्र में या फिर राजनीति में, लोकतंत्र तो बहुत वृहद हो जाएगा, मैं कहूंगा राजनीति में विकास का विरोध नहीं किया जाता है, विकास का श्रेय लिया जाता है। कोई भी विकास करता है, आप अपना श्रेय ले लीजिए कि हमने किया है विकास, ये एक मौका है। अब देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसका किस तरीके से हो रहा है, ये एकदम बिल्कुल सही समीक्षा की बात है कि अगर वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, उससे नुकसान ज्यादा है, फायदा कम हो रहा है, पैसे बहुत लग रहा है, पीपीपी मॉडल है उसमें, और सरकार के भी पैसा लग रहा है, ठीक है, उसमें दूसरे प्राइवेट सेक्टर का भी पैसा है, तो इसमें हमको कितना फायदा हो रहा है, ये समीक्षा करने वाली बात है। अगर समीक्षा के बाद अगर ये होती है तो ये बहुत, देखिए पाइपलाइन में है ये सारी चीजें, एकदम से मना नहीं कर दिया सरकार ने कि नहीं नहीं बनाएंगे, ऐसा तो कहा ही नहीं है अभी तक, लेकिन फिर भी देखना होगा कि क्या स्थिति है, क्या करती है मुख्य सरकार। केदार जी, अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश को क्या लाभ होगा, जनता को क्या रोजगार मिलेगा, अगर ये सवाल उन्होंने पूछ भी लिया या दाग भी दिया, तो इससे तकलीफ क्यों है? अगर पहला उनका सवाल यही था, हम तो कह रहे हैं समीक्षा कीजिए, नहीं तो पहली समीक्षा कीजिए, पॉजिटिव कीजिए, और ये आप कैसे कह सकते हैं, रेल की ऐसी कौन ये आप कैसे कह सकते हैं, हिंदुस्तान में अधिकारी जब गोलमोल जवाब दे रहे हैं, सही जवाब ही नहीं किसी के पास, तो फिर किस तरीके से आप इसको निगेटिव कह सकते हैं, किस आधार पर निगेटिव कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ आपको उनकी बातचीत ना आपने सुनी, ना मैंने सुनी, ना किसी ने सुनी, क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई, किसी ने नहीं सुनी, पर ये बात जरूर समाचार पत्रों में आई
कि उसे लाभ क्या होगा। अरे भाई रेलवे से नुकसान कहाँ है, मैं ये पूछ लेता हूँ, कौन जवाब देगा इसका? और ऐसी कौन सी रेलवे लाइन है जिसमें खाली माल का परिवहन होता है और रेल सर, जैसे कि आप बोल रहे हैं, जो मेरे पास भी जो पॉइंट आए हैं मेरी उसमें रॉयल्टी के अलावा वो अधिकारी को जवाब ही नहीं दे पाए, सिर्फ रॉयल्टी रॉयल्टी कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि पर्यावरण को क्या नुकसान, वो रॉयल्टी अच्छी मिलेगी? जब जब वो मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि प्रदेश में कारोबार बंद हो रहे हैं कोयला की वजह से और हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब बाहर भेजेंगे कोयला, क्यों भेजेंगे कोयला भाई? जब वो खुद कह रहे हैं प्रदेश में कारोबार बंद हो रहे हैं कोयले की वजह से, कमी है कोयले। जी जी जी, आप मुझे जाएंगे, जवाब भी तो सुनिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल सुनाइए, तर्क संगत। मैं तो बेहद मुस्कुरा के जवाब देता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी सर, एकदम तर्क संगत कह रहा हूँ। जी जी, बेतर्क संगत कहता ही नहीं हूँ, और जिस दिन कहूंगा उस दिन आप मुझे बुलाएंगे नहीं। मुझे ये बताइए, जाने से कौन सा कोयला विदेश चला जाएगा, कौन सा कोयला विदेश चला जाएगा? प्रदेश से तो बाहर चला जाएगा ना, कोयला निकल रहा है तो रायपुर लाने के लिए क्या हवाई जहाज से, हवाई जहाज से बाहर लाओगे रायपुर कोयला? कोरबा का कहाँ से लाओगे रायपुर? कहा जा रहा है कि गुजरात जाएगा, अन्य प्रदेशों में ये कोयला जाएगा। रेल लाइन रे तो ठीक बात है, आपने ही तो खनन का परमिशन दिया है प्रदेश सरकार ने। आपकी सरकार ने नहीं दिया था खनन का परमिशन, खदान चालू हो सकती है? आपकी सरकार ने खदानों को परमिशन नहीं दिया? सरकार बनी है उसने भी तो दिया है, लेकिन जिस तरीके से पर्यावरण को रेल लाइन बिछा रहे हैं, हम तो विकास चाह रहे हैं, विकास होना चाहिए। संजीव जी, जहाँ का संजीव जी ने कहा जितना लगता है जितने का ढोल उतने ही नगाड़ा फूट रहा, तो क्या मतलब? ज्यादा कोयला निकलता तो बाहर से आना चाहिए। और फिर इस जैसे कि आप कह रहे हैं, ये बात आप कह रहे हैं कि वहां पर पैसेंजर ट्रेन भी उस ट्रैक पर चलेगी, लेकिन उन्होंने इसका गोल गोल जवाब दिया, उन्होंने इसका सही जवाब नहीं दिया। और अगर दोबारा समीक्षा करने की कह दी तो इसमें दिक्कत क्या थी? बात है ये, पहले से सोचना कि मुख्यमंत्री अगर गए हैं उसमें शुरुआती बात तालाब जैसे हुई है तो निगेटिव भी हो सकता है, ये धारणा गलत है। किरण भाई जी, क्या किरण भाई जी, एक सवाल आपसे भी है, क्या पिछली सरकार थी, पिछली सरकार की जो मंशा थी क्या सिर्फ वो कोयला एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने की थी, क्या और कोई जनता के हित में ना सोचते ये काम शुरू किया गया था? उन्होंने भी कुछ सोचा होगा जनता के हित के बारे में? कॉरिडोर और जो रेल कॉरपोरेशन, रेल कॉरिडोर और रेल कॉरपोरेशन का जो गठन हुआ था, इन सब चीजों में हकीकत यह है कि बारीकी से कभी अध्ययन किया नहीं गया, कोई समीक्षा की नहीं गई, कोई विवेचना नहीं की गई। क्योंकि आज यदि इनके पास ये सारी जानकारी होती तो ये अधिकारी जो रेल कॉरिडोर के लिए बैठक में बैठे थे वो निश्चित रूप से जवाब दे पाते। क्योंकि पिछली सरकार कभी भी इस तरीके के कामों के ऊपर डिस्कशन भी नहीं करते थे, ना ही वो इसके बारे में जनता के हितों के फैसले लेने के बारे में सोचते थे। उनको यह रहता था कि हाँ भाई इतने हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है, सैंक्शन करो, किसी को ठेका दो और अपना कमीशन हिस्सा लो, और उसके बाद मस्त रहो और लोगों को बोलो कि भाई हमने आपके वेलफेयर के लिए किया है। यदि इनके पब्लिक के वेलफेयर के लिए था, यात्री गाड़ी चलने का था, तो निश्चित रूप से अधिकारी तुरंत वहां पर स्पॉन्टेनियसली जवाब देते कि साहब इसमें केवल कोयला परिवहन नहीं होगा, यहाँ पर यात्री गाड़ी भी चलेंगी। पर यात्री गाड़ियों के लिए ये रेल कॉरिडोर था ही नहीं, ये बनाया केवल इसलिए गया है कि यहाँ का कोयला दूसरे प्रदेशों में और बाहर भेजा जा सके। और कोयले में रॉयल्टी इतनी ज्यादा कभी नहीं मिलती कि उससे प्रदेश का खजाना भरा जा सके। तो निश्चित है कि जो मुख्यमंत्री जी की चिंता है बहुत स्वाभाविक है कि यदि आप यहाँ का कोयला बाहर में दूसरे प्रदेश को देने के लिए आप कॉरिडोर बना रहे हैं, तो कोयले के ट्रांसपोर्टेशन से जो पॉल्यूशन में प्रॉब्लम होगी, जो आपका ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के प्रॉब्लम होगी, इन सब प्रॉब्लम का भी ध्यान रखने की जरूरत है। इंटरनेशनल नॉर्म्स पर भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आप पर्यावरण और प्रदूषण की चिंता हर योजना परियोजना में करें। और यदि इस चीज का जवाब जो लोग योजना से जुड़े अधिकारी हैं वो यदि मुख्यमंत्री जी को जिम्मेदारी से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसका साफ साफ मतलब यह है कि अधिकारी वास्तव में उस योजना के बारे में खुद भी पूरी चीजें नहीं जानते, इसलिए वो बता भी नहीं पा रहे हैं। तो बिल्कुल जैसे संजीव जी, अगर देखें, अगर इस ट्रैक पे सिर्फ आयात निर्यात कोयले का अलावा परिवहन के कोयले के परिवहन के अलावा भी अगर पैसेंजर ट्रेन चलती है
तो संजीव जी कहीं ना कहीं केदार जी कह रहे तो उसमें भी सत्यता है कि जाहिर सी बात है अगर ट्रेन चलेगी तो लोगों को सहूलियत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ठीक है पर्यावरण को अगर नजरअंदाज न करके थोड़ा सा उस पर ध्यान देके अगर इसको बनाया जाए या फिर ट्रैक को किया जाए तो जाहिर सी बात है अगर लोगों के लिए इसमें सहूलियत बढ़ती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या क्या अगर सिर्फ इससे कोयला परिवहन किया जाए तो जरूर सवाल खड़े हो जाते हैं कि सिर्फ उसी के लिए ही इतना उठापटक क्यों। नहीं नहीं देखिए सबसे बड़ी बात है कि रेलवे ट्रैक बन जाएगा तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि केवल उसमें रेलवे ट्रैक में केवल माल ढुलाई का ही काम आएगा और दूसरे ट्रेनें नहीं चलेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कहीं नहीं होता है कि जहाँ पे मालगाड़ी चलती है वहाँ पे पैसेंजर ट्रेनें नहीं चलेगी, ऐसा कहीं नहीं होता है। वो होता है कि भाई वहाँ पे अगर रास्ता बन रहा है तो उस रास्ते में सभी प्रकार की चीजें चलती है। उसी प्रकार से जब अगर वहाँ पे रेलवे ट्रैक बन रहा है तो वहाँ पे माल ढुलाई के लिए मालगाड़ियां भी चलेंगी, पैसेंजर ट्रेनें भी चलेंगी जो उस क्षेत्र से अछूता है अभी तक। देखिए कहीं भी सड़क का निर्माण होता है, रेलवे ट्रैक का निर्माण होता है या फिर जो आवागमन के साधन बढ़ते हैं तो उस क्षेत्र का विकास होता है, ये तय है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको देखना पड़ेगा कि कितना फायदा हो रहा है उससे। ऐसा नहीं कि हम फायदा करने के चक्कर में नुकसान कर डालें या तो फिर ऐसी हो जाए कि वहां पे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो जाए। नुकसान केवल पैसे से नहीं होता है, हम जो जिस दुनिया में रहते हैं वो पैसे से बहुत अलग है। वो हमको साफ हवा, साफ पानी और साफ ये सारी चीजें चाहिए, बेहतर पर्यावरण चाहिए। और उसके साथ साथ केवल एक सबसे बड़ी बात है कि इंसानों को ये भी समझना होगा कि ये जो दुनिया है केवल इंसानों के लिए नहीं है, इसमें एक छोटी सी जो चींटी का भी उतना ही अधिकार है जितना आपका अधिकार है। ऐसा नहीं है कि केवल आपके लिए बस है ये दुनिया। तो वो सारी चीजों को देखना पड़ेगा कि वहां जो विचरण करने वाले जो हाथी हैं और फिर जो दूसरे जो जीव है उनको विपरीत असर ना पड़े, पर्यावरण को नुकसान ना पड़े। और उसके साथ साथ आपको विकास भी करना है, ऐसा नहीं कि केवल एक तरफा ही आप नहीं कर सकते कि केवल विकास करना है तो पर्यावरण का विनाश हो जाए या फिर पर्यावरण के चक्कर में आप विकास नहीं कर सकते। तो इन सारी चीजों को आपको बैलेंस को लेकर एक आपको बेहतर काम करना होगा बैलेंस करते हुए। तो अगर ये काम होता है तो अच्छा है। और फिर भी मैं एक बार फिर से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तक मुख्यमंत्री ने या फिर नई सरकार ने ये नहीं कहा है कि हम नहीं इस प्रोजेक्ट को हम बंद करने। केदार जी की चिंता बिल्कुल सही है, अभी तो ये शुरुआत है ना, अधिकारी आएंगे फिर 15 दिन बाद जवाब देंगे। नई सरकार आती है और पुरानी सरकार के कामों में और योजनाओं में जिस तरीके से दोष निकाले जाते हैं या फिर जिस तरीके से योजनाओं में बंद किया जाता है किसी ना किसी बहाने को देखकर, तो उस हिसाब से अगर वो सोच भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष में बैठे तो उनकी चिंता भी जायज है। केदार जी जिस तरीके से देखा जाए, आपने बोला कि इस पर पैसेंजर ट्रेन भी चलेगी और जाहिर सी बात है कि आपकी जब सरकार ये लेके पूरा प्रोजेक्ट आई होगी तो पर्यावरण के बारे में उसने भी सोचा होगा, ठीक है। बाकी जो अभी जो वर्तमान की सरकार चिंतित है, उस वक्त की सरकार भी, उस वक्त तत्कालीन सरकार भी इस वक्त जो मामले को लेकर चिंतित होगी, लेकिन क्या वजह रही तो कि प्रेजेंटेशन के दौरान वो अधिकारी जवाब नहीं दे पाए या मुख्यमंत्री को संतुष्ट नहीं कर पाए जब चीजें इतनी ही क्लियर थी। देखिए साहब मैंने पहले ही आपको कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से अधिकारियों की क्या बात हुई ये किसी ने सुनी नहीं है, और जो समाचार पत्रों में आया उससे जानकारी मिली है। पर एक कॉमन सेंस की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े नेता हैं, मैं सीधा कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, पर मैं यही प्रश्न, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं, राजनीति में काम करता हूं, तो मेरे मन में आता है कि मैं ये कह सकता था कि इसमें खाली माल का परिवहन नहीं होना चाहिए, पैसेंजर ट्रेन भी चलना चाहिए। मुझे पूछने की आवश्यकता क्यों है, मैं तो आदेशित कर सकता हूं ना कि इसमें पैसेंजर ट्रेन चलनी चाहिए। जहां तक फिर पॉल्यूशन का सवाल है, एक मालगाड़ी में अभी कैलकुलेट कर रहा था लगभग 5,000 टन का लोड लेकर चलती है, 70 उसमें डब्बे होते हैं, 30 टन के आसपास एक डब्बा उसमें लोड ले सकता है और सिर्फ 2 इंजन उसको खींच लेते हैं। और 5,000 टन का अगर हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो 150 ट्रक लगती है, वो भी 30 टन की, और 150 इंजन चलते हैं, 150 ट्रकों का फ्यूल जलता है और वहां सिर्फ 2 इंजन आपके 5,000 टन का कर ले तो पॉल्यूशन कैसे ज्यादा होगा, समझ में नहीं आता। अरे कोई बात अगर समझ में आए तो आदमी शांति से सुने ना, जब बात का सिर पैर ही नहीं हो और बात ही बात चले तो कैसे नहीं दिल जलता है, मुझे बताइए। आज कोई ट्रेन का ट्रैक बनाना आसान बात है, मुझे लगता है सरकार के पास उसके हिस्से का पैसा देने के लिए पैसा नहीं है इसलिए दुनिया भर के प्रश्न पूछ रहे हैं, या फिर उन खदानों से कोई बात करनी है शायद इसलिए ये बात कर रहे हैं। मैं छोटा कार्यकर्ता हूं पर विकास से जुड़ा हूं, छत्तीसगढ़ की माटी का पुत्र हूं, इसलिए चिंता होती है इसलिए बात कहता हूं। बिल्कुल केदार जी का गणित भी बहुत तेज है, जिस तरह से उन्होंने आकलन जो आंकड़े पेश किए वाकई काबिले तारीफ है। जिस तरीके से देखा जाए किरणमयी जी, क्या मंशा ही नहीं है कि इस पर वाकई समीक्षा की जाए, या समीक्षा में वाकई जिस तरीके से बताया जा रहा है
कि आश्वस्त करने वाले जवाब नहीं मिले और दोबारा से तैयारी करने के बाद हो सकता है इसमें कोई बड़ा फैसला आ जाए, क्या इसे कहेंगे कि ये समीक्षा राजनीति से प्रेरित थी? देखिए, केदार गुप्ता जी ने अपनी बातों को, दलीलों को घुमाया, परंतु इस चीज का कोई जवाब वो नहीं दे पाए कि उनकी सरकार में ब्यूरोक्रेटिक जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरी तरीके से निरंकुश था और उन्होंने जनहित के बारे में कभी भी कोई ऐसे निर्णय नहीं लिए। और जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार ले रहे हैं, जिससे जनता अपने आप को जुड़ा समझती है, क्योंकि उन्होंने एक काम किया जो लोहांडीगुड़ा में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के नाम से टाटा को जमीन दी थी, वो पूरी जमीन को जब उपयोग नहीं किया उसको वापस किया। विषांतर नहीं है, बात यह है कि आपने रेल कॉरिडोर में आज आप कर रहे हैं कि रेल बन जाएगी तो यात्री ट्रेन चलेंगी, ठीक है चलेंगी, परंतु क्या आपकी सरकार ने इसके बारे में प्रोजेक्ट लाया, क्या आपने इस बात को रखा, और यदि रखा तो क्या आपके अधिकारी, तत्कालीन जो अधिकारी अभी भी है, वो क्या इससे अनभिज्ञ है, वो इसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? यदि मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक में पूछ रहे हैं प्रश्न और अधिकारी उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका पूरा दोषारोपण जाता है कि तत्कालीन पूर्ववर्ती जो सरकार थी वो पूरी तरीके से अधिकारियों को निरंकुश रखा और केवल कमीशन खोरी के उद्देश्य से ही काम किया गया, इसलिए आज उनको तकलीफ हो रही है। बातें हो गई, ये थोड़ा सा राजनीति आपने इसमें चौका लगा दिया, राजनीति का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। किरण भाई जी बिल्कुल, केदार जी जल्दी से अपने दो शब्दों में, दो लाइनों में अपने बात पूरी कर लीजिए। मैं बहुत बहुत छोटे बात में कहता हूँ, रेलवे जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है और हमारी सरकार के ब्यूरोक्रेट्स उसमें काम नहीं कर रहे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट भले हमारी सरकार है पर 9 महीने अगर ब्यूरोक्रेट्स की बात है तो 9 महीने में ब्यूरोक्रेट्स अभी भी हमारे हैं क्या? ये कब होंगे इनके? 9 महीने गुजर गए भाई सरकार बने, अभी भी ब्यूरोक्रेट्स हमारे हुए? अरे ये कौन सी बात हो गई? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को विकास के बारे में सोचना चाहिए और जो काम कराना है कहिए ना भाई कि ट्रैक बनाओ पर इसमें पैसेंजर ट्रेन भी चलाओ, उसमें कहाँ दिक्कत है? दूर दृष्टि की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्या फैसला सरकार लेती है? चलिए केदार जी, संजीव जी और किरण भाई जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से देखिए कॉरिडोर पर किच-किच जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में मची हुई है, जहां बीजेपी इसे राजनीति से प्रेरित बता रही है, तो वहीं जो कांग्रेस सरकार है, वर्तमान सरकार है, वो इसे कहीं ना कहीं देख रही है। कुछ पॉइंट्स उसमें क्लियर नहीं है, कुछ पॉइंट क्लियर होने चाहिए। जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स ने जो जवाब दिए वो गोलमोल थे, लेकिन होने वाली अगली समीक्षा जो कि 2 सप्ताह बाद होनी है, 15 दिन बाद होनी है, उसमें आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है देखने वाली बात होगी। बस हमारा इतना ही कहना है कि जनता का विकास होना चाहिए, जनता का हित का जो विकास है वो उससे छीनना नहीं चाहिए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।